सब्सक्राइब करें टेक गुप्ता चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप देख सकें टेक्निकल और सीएससी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएससी पे चल रहे कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में जो कि बंद कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वो सर्विस पहले लाइव तो थी लेकिन सीएससी ने उसको फिलहाल में ही बंद कर दिया है। और दोस्तों उस सर्विस से आप लोगों को काफी बेनिफिट हो रहा था और काफी सारे दिल्ली उसको यूज करके अच्छी कमाई कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों सर्विस बंद हुई है, साथ ही साथ आपको किस प्रकार लॉस भी लगा है, तो सब प्रकार से लगा है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी सर्विस बंद हुई है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने डीजी मेल पे, और डीजी मेल पे आने के बाद दोस्तों हमें 7 जनवरी के डेट में एक न्यूज लेटर मिला है सीएससी की तरफ से, जिसमें लिखा गया है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको हमें जो मिला है नोटिफिकेशन वो हमें मिला है 6 जनवरी को हमें जो नोटिफिकेशन मिला है उसमें हमें लिखा गया है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आधार ईकेवाईसी पीवीसी प्रिंटर, प्रिंट की जो सर्विस थी वो बंद कर दी गई। किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। डियर वीएलई, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द आधार ईकेवाईसी पीवीसी प्रिंट सर्विस अवेलेबल ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल हैज बीन सस्पेंडेड एंड विल नॉट बी अवेलेबल टिल द नेक्स्ट एनिमेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि अगला बार आप जब डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज करिएगा मतलब नेक्स्ट डे, तो आपको ये सर्विस नहीं मिलेगा आधार केवाईसी पीवीसी प्रिंट की। तो दोस्तों ये जो न्यूज लेटर हमें मिला था 6 जनवरी, आपको पता है कि हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे जिस वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं 8 तारीख के डेट में, तो दोस्तों माफी चाहूंगा क्योंकि इसमें लेट थोड़ा सा लग गया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं और मैं आपको पर करने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या लॉस लग रहा है। सबसे पहले दोस्तों सीएससी ने बोला था आधार का काम, चलिए दोस्तों आधार का काम हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन संतोषजनक ये था कि हम किसी भी कस्टमर का थंब प्रिंट से उनका आधार प्रिंट कर सकते थे, तो ये काफी अच्छी सर्विस थी, लेकिन फिलहाल सीएससी ने अभी इसको भी बंद कर दिया। ये सर्विस अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे तो थी, लेकिन इसको अपडेट करवाने के लिए एक वीएलई को सीएससी से प्रिंटर लेना पड़ता था, और प्रिंटर लेने के साथ साथ दोस्तों आपको जो है, तो दोस्तों माफी चाहूंगा यहाँ पे हमारे सेकेंड मोबाइल पे कॉल आ गया था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इस सर्विस को एक्टिव करवाने के लिए आपको सीएससी से प्रिंटर लेना पड़ता था, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट आपको 25 या 20 के आसपास आती थी। तो वो जो आपने 20,000 रुपए फंसाया था इस सर्विस को चालू करवाने के लिए, वो पैसा तो आपका डूब गया, आपका जो प्रिंटर है एक तरह से तो बेकार हो गया ना, क्योंकि आपने उतना महंगा प्रिंटर लिया सिर्फ और सिर्फ ईकेवाईसी पीवीसी प्रिंट सर्विस यूज करने के लिए, जो कि अब रहा नहीं। तो यहाँ पे हम अनुरोध करेंगे कि सीएससी के अगर हो सके यथाशीघ्र इस सर्विस को शुरू कर दिया जाए। और दोस्तों अभी तक सीएससी ये नहीं बताई है कि ये सर्विस पूरी तरह से सस्पेंड हो गया या कुछ समय के लिए सस्पेंड हुआ है। तो दोस्तों अगर हमें अलग से फिर कोई नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर कोई अपडेट मिलेगा तो हम वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये सर्विस शुरू होगी या नहीं। फिलहाल में तो ये सर्विस बंद कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। अब चलते हैं इसके प्रूफ देखने के लिए। सबसे पहले चलते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे, और दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज आपको दिख रहा होगा, 15 जनवरी से पहले आपको अपने वॉलेट में 1000 रख लेना है। तो दोस्तों अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी इस पे एक सेपरेट वीडियो है कि सीएससी ने सही किया गलत किया क्या किया हमारे साथ, इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो देखा है, तो हो सके उसको भी आप देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे आधार सर्विस के रिगार्डिंग। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं आधार कार्ड की सर्विसेज। दोस्तों आप सभी को पता है पहले यहाँ पे 4 सर्विसेज शो करती थी, लेकिन अभी के अपडेट में यहाँ पे आपको 3 ही सर्विसेज शो कर रहे हैं, जो कि काफी बुरी बात है, और आपका जो आधार कार्ड की सर्विस है उसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बंद हुआ है या नहीं। सिंपली हम चलते हैं आधार कार्ड की सर्विसेज में, और यहाँ पे जैसे ही दोस्तों हम आते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विस देखने को मिलता है। आधार डेमोग्राफिक अपडेट, जो कि पूरी तरह से सही से वर्क भी नहीं कर रहा है, आप इस पे काम ना करें, हो सकता है आपका पैसा फंस जाए यहाँ पे। दूसरी सर्विस जो है आधार रजिस्टर्ड डिवाइसेस, तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो हमने दिया है आपको, और बायोमेट्रिक डिवाइस और यूआईडी कंप्लेंट के, तो इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको वीडियो दिया है। यहाँ पे जो सर्विस थी आधार केवाईसी पीवीसी प्रिंट की थी, जो कि हटा दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्लिक का बटन दिखता था, तो अभी आपको कुछ भी सर्विस, क्योंकि सर्विस को हमें दिया गया है। तो दोस्तों आप हमें अपना ओपिनियन बताइए कि सीएससी ने सही किया, और दोस्तों आप हमें ये भी बताइए कि आपने कितना पैसा दे के सीएससी की सर्विस को एक्टिव करवाया, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, मतलब प्रिंटर लेने के लिए, उसके बाद पीवीसी प्रिंट की जो कार्ड होती है पीवीसी कार्ड उसको लेने के लिए आपने टोटल कितना खर्चा किया था, और तब जाके ये सर्विस आपका एक्टिव हुआ।
तो दोस्तों आप हमें बताइए कि इस सर्विस को बंद होने से आपको कितना का नुकसान हुआ और क्या सीएससी ने सही किया, और सीएससी के ये जो वॉलेट वाला फंडा है 1000 रुपीज की, क्या ये सही है, क्या आपको ये सच लग रही है, क्या ये आपको अच्छी लग रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप टेक गुप्ता चैनल पे नए हैं, हो सके तो हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में यही था, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी वीएलई को पता चल सके इस सर्विस के बारे में, सीएससी के इस चोचले के बारे में। तो वीडियो में यही था, इतना ही बोल के वीडियो को अंत करूंगा।